स्वाद भरे नमस्कार के साथ स्वागत करती हूँ वाह मीनू वाह किचन में। आज मैं बना रही हूँ पिंक टी केक यानी कि कश्मीरी चाय केक। इसे मैं बनाऊंगी कश्मीरी चाय के डिकॉक्शन के साथ। ये केक बहुत ही ज्यादा टेस्टी एंड फ्लेवरफुल बनता है। कश्मीरी चाय केक बनाने के लिए हमें कश्मीरी चाय का डिकॉक्शन चाहिए, जिसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। साथ ही में मैंने लिया है एक चुटकी केसर। केसर में एक चम्मच हल्का गर्म दूध ऐड करेंगे। केसर को मैश करते हुए चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि केसर अपना सारा असर छोड़ देगा। इसकी जगह आप आधे घंटे पहले केसर को भिगा के भी यूज कर सकते हैं। अभी एक मिक्सिंग बोल में ऐड करेंगे 30 ग्राम देसी घी, इसकी जगह आप रिफाइन ऑयल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ऐड करेंगे 80 ग्राम पिसी हुई चीनी। जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने इन दोनों चीजों को विस्कर के साथ मिक्स कर दिया है। आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट ऐड करेंगे इसमें 80 ml रूम टेम्परेचर का रखा हुआ ताजा दही, 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को छान के लेंगे, कभी कभी मिल्क पाउडर में गांठे भी होती हैं। केसर जो हमने भिगा के रखा था बैटर के क्रीमी होने तक अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। एक बार फिर से बीट कर लेंगे, बैटर फ्लफी हो जाएगा। अभी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 100 ग्राम मैदा। थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते हुए स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे जरूरत के हिसाब से कश्मीरी चाय डिकॉक्शन। पॉइंट टू बी नोटेड, डिकॉक्शन रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अभी इस केक में एक बहुत जरूरी समझने वाली बात है, हम हमेशा केक्स का बैटर बनाने के लिए दूध यूज करते हैं। दूध से केक में अच्छा टेक्सचर आता है और एज अ मिक्सिंग एजेंट यूज होता है। क्योंकि मैंने दूध की जगह पिंक टी डिकॉक्शन यूज किया है, दूध को मैंने मिल्क पाउडर से रिप्लेस कर दिया है। अगर हम दूध की जगह मिल्क पाउडर यूज करेंगे तो केक का बैटर बनाने के लिए डिकॉक्शन ज्यादा यूज होगा, जिससे कि केक में कश्मीरी चाय का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। इस केक में किसी भी तरह के एसेंस की कोई जरूरत नहीं है। ये केक अपने आप में बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल एंड टेस्टी बनता है और ये एक मस्ट ट्राई रेसिपी है। थोड़ा थोड़ा डिकॉक्शन ऐड करते हुए मैंने स्मूथ बैटर तैयार कर लिया है। मैंने टोटल 50 ml डिकॉक्शन यूज किया है। अभी हम बैटर में ऐड करेंगे थोड़े से नट्स। नट्स डालने से ये केक और भी ज्यादा टेस्टी हो जाता है। मैंने एक बोल में 1 टीस्पून पिस्ता, 1 टीस्पून काजू और 1 टीस्पून बादाम को रफली चॉप करके लिया है और ऐड कर दिया 1/2 टीस्पून मैदा। चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके केक के बैटर में ऐड कर दिया है। केक के बैटर को हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, पोर कर देंगे ग्रीस टिन में। यहाँ मैंने 7x3 इंच का लोफ टिन लिया है, जिसे मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा के रखा हुआ है। बटर पेपर लगाने से केक बहुत इजिली अनमोल्ड हो जाता है। लास्ट में केक को गार्निश कर लेंगे बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम के साथ। बेक कर लेंगे प्री हीटेड ओवन में। केक टिन को रखेंगे मिडल रैक पर, नीचे की रॉड चला के 180 डिग्री पर 35 मिनट्स के लिए। पूरे 35 मिनट्स के बाद नाइफ से चेक करेंगे, नाइफ क्लीन निकली है, केक परफेक्टली बेक हो गया है। केक को 5 मिनट ठंडा करने के बाद अनमोल्ड करेंगे और बटर पेपर निकाल देंगे। केक स्लाइसेस नीटली कट करने के लिए केक को रूम टेम्परेचर पर पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे, फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे, फिर इसे स्लाइसेस में कट करेंगे, जिससे कि स्लाइसेस बहुत नीट कट होंगी। ये मेरा ओन क्रिएटेड सॉफ्ट एंड फ्लेवरफुल कश्मीरी चाय केक है, जिसकी रेसिपी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।